वेलकम टू ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर ममता चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, यानि पत्तियों का रूपांतरण। जैसा कि हम जानते हैं कि पत्तियों का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करना। कुछ पत्तियों में विशिष्ट कार्यों के लिए पत्तियों में कई तरह के रूपांतरण पाए जाते हैं, जैसे लीफ टेंड्रिल्स यानि पर्ण प्रधान, लीफ स्पाइंस यानि पर्णशूल, पिचर प्लांट यानि घटपर्णी पौधे, स्केली लीव्स यानि शल्कीय पर्ण। इस तरह के रूपांतरण पत्तियों में पाए जाते हैं। फर्स्ट है लीफ टेंड्रिल्स। कई बार जो पत्तियां हैं वो बेलनाकार तथा तार की भांति कुंडलित संरचनाओं में बदल जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं प्रतान या टेंड्रिल्स, और टेंड्रिल्स ज़्यादातर वीक व हर्बेशियस पौधों में पाए जाते हैं। कुछ जातियों में पूरी पत्ती ही प्रतान का निर्माण करती है, जैसे कि लेथाइरस, और इस कारण जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य है वो स्टिप्यूल्स द्वारा किया जाता है। पाइसम सेटाइवम, इस तरह से पाइसम सेटाइवम, लेथाइरस ऑडोरेटस में संयुक्त पत्ती के केवल कुछ ऊपरी पर्णक की प्रतान ही रूपांतरित होती है, जबकि नीचे के जो पर्णक होते हैं वो सामान्य पत्ती की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट है लीफ स्पाइंस या पर्णशूल। कुछ पौधों की पत्तियां पूर्ण या आंशिक रूप से तीखे व नुकीले शूल या स्पाइंस में बदल जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण से पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करती हैं और जो चरने वाले जो जानवर हैं उनसे अपनी रक्षा करती हैं। कुछ जीरोफिटिक पौधे जैसे ओपेंशिया, इसमें पत्तियां बहुत कम विकसित होती हैं और जल्दी गिर जाती हैं, जबकि बर्बेरिस में पत्तियां, प्राथमिक पत्तियां शूल में रूपांतरित हो जाती हैं, जबकि कक्षीय शाखाओं में सामान्य पत्ती पाई जाती है। इसी तरह से फीनिक्स में पत्तियों के शीर्ष ही केवल स्पाइंस में बदलते हैं, जबकि आर्जिमोन मैक्सिकाना जो प्लांट है उसमें पत्तियों के जो मार्जिन्स हैं वो शूल में रूपांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट है पिचर प्लांट्स। कुछ कीटभक्षी पौधे जैसे कि निपेंथिस, सिफेलोरोटस, सार्सिनिया, इसमें जो है पत्तियां रूपांतरित होकर घटनुमा संरचना या पिचर नुमा संरचना बनाती हैं और इंसेक्ट्स को ट्रैप करती हैं, पकड़ती हैं। इसमें निपेंथिस में जो लीफ लेमिना है वो पिचर में रूपांतरित हो जाता है और जो लीफ अपेक्स है वो घट का ढक्कन नुमा संरचना बनाता है, जबकि पर्णव्रत का जो दूरस्थ सिरा है वो चपटा व लीफ लाइक होता है और फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, जबकि जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट या समीपस्थ पार्ट है वो घट को उधर्व स्थिति में रखता है। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं इनके घट में पानी व अनेक पाचक एंजाइम्स होते हैं जो कि इनमें फंसने वाले कीटों को पचाते हैं। कुछ एपिफाइटिक प्लांट्स जैसे कि डिस्कीडिया, इसमें भी पत्तियां घट में या पिचर में रूपांतरित हो जाती हैं, लेकिन ये जो घटनुमा संरचना है ये कीट भक्षण के लिए ना होकर वाटर स्टोरेज में काम आती है। इस पौधे में तने की जो नोड्स हैं उनसे कई सारी अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और घट के चारों ओर जाल बनाती हैं। इनका कार्य घट से जल का अवशोषण करना होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ब्लैडर। कुछ प्लांट जैसे कि यूट्रिक्युलेरिया, ये एक एक्वेटिक फ्लोटिंग हर्ब है यानी जलीय प्लवमान शाक है, इसे ब्लैडर वर्ट भी कहते हैं। इसमें जो पत्तियां होती हैं कटी फटी होती हैं और पत्तियों के कुछ खंड ब्लैडर नुमा संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं। ब्लैडर की जो खोखली गुहिका बनती है उसमें ट्रैप द्वार द्वारा वो बंद रहता है। इसी ट्रैप द्वार द्वारा छोटे छोटे कीट जब इस गुहिका में प्रवेश करते हैं तो उनसे बाहर निकलना संभव नहीं होता। नेक्स्ट है स्केली लीव्स यानि
शल्कीय पत्तियाँ। कुछ पौधों में जो पत्तियाँ हैं वो पतली शुष्क व झिल्ली नुमा संरचना बनाती हैं। ये पौधे ज़्यादातर भूमिगत तरों में पाए जाते हैं और इनका काम है कक्षीय कलिकाओं की सुरक्षा करना, जैसे कि अनियन यानी एलियम सीपा। एलियम सीपा में जो शल्कीय पत्तियाँ या स्केली लीव्स होती हैं वो मोटी व मांसल होती हैं और इनमें जल व खाद्य पदार्थों का संचरण होता है या संचय होता है। कुछ पौधे जैसे कि कैजुराइना है, टैमेरिक्स, एस्पेरेगस, रसकस आदि में जो स्केल है वो पर्ण स्तंभ में पाए जाते हैं और ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ऐसे पौधों में तना चपटा व हरा होता है और पत्ती के समान कार्य करता है। तो फर्स्ट पिक्चर शो टाइप्स ऑफ लीव टेंड्रिल्स। तो इसमें कुछ पौधों में जो एंटायर पत्ती है वो टेंड्रिल से बदल जाती है, जैसे कि ए पार्ट। बी पार्ट के अंदर जो अपर लीफलेट है वो टेंड्रिल से बदल गया है। जो सी पिक्चर है वो शो कर रहा है कि जो टर्मिनल लीफलेट है वो टेंड्रिल्स का निर्माण कर रही है। डी पिक्चर में जो लीफ का जो टिप पार्ट है या अपेक्स पार्ट है वो टेंड्रिल्स में बदल रहा है। और ई पिक्चर में टेंड्रिल्स किससे बन रहा है? पिटियोल से, यानी इसमें जो पिटियोल है वो मॉडिफाई होके प्रतान या टेंड्रिल का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से जो लीफ टेंड्रिल्स हैं वो पूरी पत्ती से या लीफलेट के अपर पार्ट से या टर्मिनल पार्ट से या लीफ के टिप से या पिटियोल से टेंड्रिल्स में बदल सकती है। सेकंड पिक्चर में लीफ स्पाइंस को दिखाया गया है। लीफ स्पाइंस जो हैं, जैसे कि ओपनशिया, ओपनशिया में जो लीफ हैं वो कांटों में बदल जाती हैं और जो स्टेम है वो लीफ नुमा संरचना में बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं फिलोक्लेड। तो इसमें पिक्चर में आपको डिफरेंट पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ओपनशिया के, फ्लावर, स्पाइंस, नोड्स, इंटरनोड्स। तो इस तरह से ओपनशिया में जो स्टेम पार्ट है वो लीफ नुमा संरचना फिलोक्लेड का निर्माण करता है। लीफ स्पाइंस में जो बी वाला पिक्चर है वो परबेरिस में पाई जाने वाली प्राइमरी लीव्स को दिखा रहा है, जिसमें जो प्राइमरी लीव्स हैं वो स्पाइंस में बदल गई हैं। नेक्स्ट है लीफ स्पाइंस ही हैं, जिसमें जो फर्स्ट जो पिक्चर है ए वो शो कर रहा है फिनिक्स डक्टाइलिफेरा में स्पाइंस का निर्माण। जो बी है उसमें यक्का का जो पर्ण शीर्ष है यानी लीफ अपेक्स है वो शूल में रूपांतरित हो जाता है। जो पिक्चर सी है वो शो कर रहा है आर्जिमोन मैक्सिकाना में पाए जाने वाले स्पाइंस। इसमें जो पत्तियों के जो मार्जिन्स हैं वो कांटेनुमा संरचना में बदल जाते हैं। तो इस तरह से लीफ स्पाइंस भी का निर्माण पत्तियों, प्राइमरी पत्तियों से, पत्तियों के शीर्ष से या पत्तियों के मार्जिन से होता है। नेक्स्ट है पिचर प्लांट, जिसमें जो पत्तियां हैं वो पिचर में या घट नुमा संरचना में बदल जाती हैं। पिक्चर ए में निपेंथिस प्लांट है, जिसमें पत्ती जो है वो घट या पिचर का निर्माण करती है। तो इसमें जो लीफ अपेक्स है वो लिड का निर्माण करता है और जो पिटियोल है वो इसको सपोर्ट प्रदान करता है और जो लीफ का जो लेमिना पार्ट है वो घट का निर्माण करता है। नेक्स्ट है लीफ ब्लेडर। लीफ ब्लेडर जो है वो यूट्रिकुलेरिया में पाया जाता है। पिक्चर ए जो है वो यूट्रिकुलेरिया पौधे को शो कर रही है। यूट्रिकुलेरिया में जो लीफ है वो ब्लेडरनुमा संरचना में बदल जाती है। पिक्चर जो बी है वो एक पूरे ब्लड
ब्लैडर नुमा संरचना को शो कर रही है और पिक्चर सी जो है उसमें हमें ब्लैडर की आंतरिक संरचना दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है क्लेडोड्स का निर्माण। क्लेडोड्स जो हैं वो रस्कस प्लांट में और मेर्सिफिलम प्लांट में पाए जाते हैं। रस्कस और मेर्सिफिलम में जो स्केली लीव्स होती हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होती हैं और इस तरह के पौधों में तना जो है वो चपटा व हरा होता है और पत्ती के समान कार्य करता है। तो इसमें जो लीफ है वो क्लेडोड नामक संरचना में बदल जाती हैं। सो इस तरह से जो पत्तियों का जो रूपांतरण है या मॉडिफिकेशन है वो कई तरह की संरचनाओं में बदल जाता है, जैसे प्रतानों में लीव टेंड्रिस, जैसे कि लीव टेंड्रिस किस में पाए जाएंगे, इसमें दो तीन एग्जांपल इम्पॉर्टेंट हैं, लेथायरस, पाइसम यानी मटर, ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा में भी जो पत्ती के जो शीर्ष पार्ट है वो टेंड्रिस का निर्माण करता है। इसके अलावा जो क्लीमेटिस प्लांट है उसमें भी कंपाउंड लीव पाई जाती हैं और इसमें जो पर्णकों के जो व्रंथ हैं वो प्रतान में रूपांतरित होते हैं। तो किसी भी पत्ती के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो प्रतानुमा संरचना बना सकते हैं। इसमें लीफ लेमिना आ सकता है, लीफ का अपेक्स पार्ट आ सकता है, लीफ का बेस पार्ट, तो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लीफ टेंड्रिस या लीफ प्रतान बनाते हैं। लीव स्पाइंस में जैसे कि हमने लीव स्पाइंस में हमें दो तीन एग्जांपल याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि ओपनशिया है तो इसमें पत्तियां बहुत कम विकसित हैं, बहुत जल्दी गिर जाती हैं, और कक्षीय कलिकाओं की जो पत्तियां हैं, जो एक्सिलरी बर्ड की जो पत्तियां हैं वही स्पाइंस या शूल बनाती हैं। जबकि अगर हम बर्बेरिस की बात करें तो बर्बेरिस में जो प्राइमरी लीव्स हैं या प्राथमिक पत्तियाँ हैं वो शूल का निर्माण करती हैं। फिनिक्स और युक्का, इन दोनों में कॉमन ये है कि इसमें पत्तियों के शीर्ष ही शूल में बदल जाते हैं, और जबकि जो आर्जिमोन मैक्सिकाना है उसमें पत्तियों के जो किनारे हैं या मार्जिन्स हैं वो स्पाइंस में बदल जाते हैं। पिचर प्लांट में जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो पिचर का निर्माण करते हैं या घट का निर्माण करते हैं, इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है निपेंथिस, सिफेलोटस, सार्सिनिया है। निपेंथिस का जैसे हमने पढ़ा कि जो लीफ लेमिना है वो घट में बदलता है, अपेक्स पार्ट जो है वो लिड बनाएगा, पिटियोल जो है वो दूरस्थ पार्ट बनाएगा जो चपटा और पत्तीनुमा होगा और फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, जबकि जो समीपस्थ पार्ट है वो टेंड्रिस नुमा स्ट्रक्चर बनाएगा और इस प्रकार वो घट को वर्टिकल स्थिति में रखता है। तो इसमें पत्ती जो घटनुमा संरचना बनाती है उसमें कई सारे डाइजेस्टिव या पाचन एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो निपेंथिस, सिफेलोटस और सार्सिनिया, इसमें जो पिचर बनता है वो बनता है कीटों को पकड़ के डाइजेस्ट करने के लिए, ताकि जो पौधों में होने वाली जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा किया जा सके। जबकि ऐसे भी पिचर प्लांट हैं जो कीट का भक्षण नहीं करते, कीटों को नहीं खाते, जैसे कि डिस्किडिया। डिस्किडिया में भी पत्तियां पिचर या घट बनाती हैं लेकिन ये कीटों को नहीं पकड़ती, ये वाटर स्टोरेज करती हैं। तो जो डिस्किडिया प्लांट है इसमें पौधे के तने की नोड से कई सारी एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं और ये घट के चारों ओर जाल बनाती हैं, जिससे ये किसका मांगे रूट्स वाटर अब्सॉर्प्शन में। ब्लैडर में जो एग्जांपल्स हैं इम्पॉर्टेंट वो हैं यूट्रिक्युलेरिया, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। यूट्रिक्युलेरिया ही ऐसा प्लांट है जिसमें ब्लैडर नुमा संरचना पाई जाती है और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कटी फटी होती हैं, लेकिन पत्तियों के जो कुछ सेगमेंट्स हैं वो ब्लैडर नुमा संरचना बना लेते हैं। और जो ब्लैडर क्या है, एक खोखली गुहिका नुमा संरचना है और इसमें ये गुहिका भी कीट का भक्षण करती है और इसमें कीटों का पाचन होता है। इसके लिए लीव्स में सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है एलियम सीपा या प्याज,
तो इसकी जो लीव्स हैं वो मोटी और मासल होती हैं, और इसमें वाटर स्टोरेज होता है, खाद्य पदार्थ जो है वो संचय रहता है उनका। इसके अलावा इसके लिए लीव्स पाई जाती हैं कैजुराइना, टैमेरिक्स, एस्पेरेगस, मिर्सीफिलम, रसकस, इनमें भी इसके लिए लीव्स में इसके लिए लीव में स्टेम में पाए जाते हैं और जो अत्यंत ही छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से जो लीव का जो मॉडिफिकेशन है वो कई तरह की संरचनाएं बनाता है, जैसे ये लीव टेंड्रिल्स, लीव स्पाइंस, पिचर, लीव ब्लेडर, क्लेरोड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ लीव।